हम जा रहे हैं बेट द्वारका। द्वारका आप घूमना चाहते हो तो घूम सकते हो। द्वारका मंदिर के अंदर आपको मन की शांति ज़रूर मिलेगी। वैसे हम तो घूमने आए थे तो हम जा रहे हैं बेट द्वारका, और बेट द्वारका के रास्ते में कुछ मंदिर पड़ते हैं, उनके भी दर्शन आपको करवाएंगे। तो चलो चलते हैं। तलाव और मेन दर्शन है बेट द्वारका। बेट द्वारका 5 किलोमीटर स्टीमर बोट से जाना, स्टीमर बोट से आना। ज़्यादा समय बेट द्वारका में लगेगा। 12 बजे बेट द्वारका वाला मंदिर बंद हो जाता है, इसलिए हर जगह मेरे भाई बहन समय के अनुसार दर्शन रहेगा। कोई जगह बिना दर्शन आना नहीं, दर्शन हो जावे तो रुकना नहीं। पहला दर्शन रुक्मणी माता का मंदिर, कृष्ण जी की 8 रानी, सबसे बड़ी और मुख्य रानी रुक्मणी माता। दुर्वासा जी के श्राप की वजह से 12 साल माता रुक्मणी ने तपस्या किया। मोबाइल कैमरा अलाउड है, चप्पल पहनकर जाना है, सामान बस में रहने देना। रुक्मणी माता को फूलमाला चढ़ाने का बड़ा महिमा है। मंदिर के ऊपर फूलमाला मिलेगा, रुक्मणी को चढ़ेगा, अवश्य ले लेना। फूलमाला चढ़ा के दर्शन करके मोबाइल छोड़ दो, मोबाइल छोड़ दो। जब इसने बोला ना मोबाइल छोड़ दो, तो मैं कैमरा बंद कर लिया था मैंने, और वैसे मैंने बाद में रिकॉर्ड नहीं कर पाया इसकी वॉइस की। बाद में क्या बोला गया था मैं आपको सुनाता, लेकिन इसने बोला था कि फालतू का मतलब कुछ खर्च करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। वो तो आपकी श्रद्धा है, आप क्या करना चाहते हो। वीडियो में आने से बोल कौन सा तेरे को उसमें इनवाइट कर रहा हूँ, फोटो नहीं ले रहा हूँ। चल चलते हैं। सबसे पहला स्टॉप अपना कुंती माता का मंदिर, बहुत ही प्यारा लग रहा है मंदिर। तो लाइन काफ़ी लगी हुई है ना दर्शन करने के लिए। हाँ भीड़ लगी हुई, चप्पल जूते यहीं पे निकालने पड़ेंगे। निकाल देते हैं भाई। मौसम क्या जबरदस्त हो रहा है सुबह का, लग रहा है सिर्फ हमारे लिए आज का मौसम डाउन हो गया है। बोलता कुछ ज्यादा ही गर्म हो गया हो तुम लोग। जानकारी एक ही बार बताते हैं, दर्शन का कोई टिकट नहीं है, सुनने का कोई चार्ज नहीं है। यहाँ दो कार्य करते हैं, दर्शन, दूसरा जल का दान। दान करो नहीं करो वो आपकी मर्जी की बात है। इसी मंदिर का कोई ब्राह्मण कोई पुजारी आपसे एक नया पैसा नहीं मांगेगा। बंदा ने ये सब तो बोला कि आपको दान करने का कोई पैसा नहीं मांगेगा, आपकी मर्जी है, पानी का दान करना है तो करो या ना करो। यही आपको एक्सीडेंट बताता हूँ, मेरे सामने हुआ। एक लेडी ने गलती से इनको देना था 200 रुपये का, मतलब 11 मटकों का दान पानी का, और दे दिया गलती से 1000 रुपये। और उन्होंने अनाउंसमेंट करके बोल दिया कि इस फलाना लेडी की तरफ से 1000 रुपये का 1000 लीटर का पानी का दान किया जा रहा है। और उस लेडी ने बोला कि मेरी गलती से निकल गया, मैं आपको 200 रुपये देने वाली थी। तो इन्होंने ये बोला कि नहीं नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं होता, अनाउंसमेंट हो चुकी है, अब आपको देना ही होगा। ये कहाँ का रूल है भाई, मतलब क्या ही बोल सकते हैं, यहाँ तो अलग ही बिजनेस चल रहा है। चलो कोई बात नहीं, इस इशू में तो हम भी कुछ नहीं कर सकते थे, तो अब आगे बढ़ते हैं। मुझे लगा कि आपको पता होना चाहिए इस चीज़ के बारे में कि यहाँ पे क्या क्या हो सकता है। कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको अच्छी नहीं लगेंगी, और कुछ मतलब मंदिरों के अंदर तो आपको अनुभव बहुत ही अच्छा मिलेगा, लेकिन यहाँ के लोगों का कुछ कह नहीं सकता मैं। कर लेते हैं मंदिर के अंदर और बाहर, बहुत ज़्यादा प्यारी कारीगरी करी गई है, आप देख सकते हो। समझा कि 5 लोग रह जाएंगे, तो मतलब उसका कहने का मतलब था, उसको फ़ोन करके पहले पता लग गया था। पहले फ़ोन आ रहा था, 2 मिनट भी नहीं हुए, उसके दोबारा फ़ोन आया था।
भाई सही बोलूं, द्वारका आना है तो अपना प्राइवेट करके आओ, क्योंकि यहाँ के ट्रांसपोर्ट पे भरोसा मत रखो, बिल्कुल भी मत, कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे हम थोड़ी देर लेट हो गए थे, जिसके कारण बस ड्राइवर बोलता कि भाई अगर तुम 5 मिनट और लेट होते तो हम तुम्हें छोड़ के चले जाते। यहाँ के प्राइवेट बस का यही कहना है, देख सकते हो, मतलब यहाँ बाहर से हमने बुक किया है तो थोड़ा तो करना चाहिए, बट नहीं। हाँ भाई, दर्शन देखने के लिए भी टाइम देखना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हम 20 मिनट ही रुक सकते हैं। क्या करेगा यार, उससे ज़्यादा तो रुक ही नहीं सकते हैं। ज़्यादा रुक गए तो क्या सीधा बोला गया कि छोड़ के निकल जाएंगे, छोड़ दिया जाएगा। हाँ, और तुम घूमते रहो, आपने 120 में बस। हाँ, बहुत ज़्यादा एडवांस यहाँ पे चलता है, कुछ कह नहीं जा सकता। और इसका सर्विस देख के तो मेरी को क्या ही बोलूं। यहाँ पे पता नहीं हम घूमने आए हैं कि क्या करने आए हैं, बस 20 मिनट का टाइम दिया गया, उसके अंदर क्या कर सकते हो तुम लोग वो तुम देखो। भाई मेरा खराब रहा फिट का, मेरा पहला ट्रिप है भाई आज ये लाइफ का, तो हमारा ही पहला ट्रिप है यार, इतना बढ़िया बड़ा वाला भी रहा है भाई। मैंने कई सारे ऐसे देखे हैं, लेकिन हमने एंजॉय भी किया है काफी, लेकिन ऐसा रिस्पांस मैंने आज तक कहीं नहीं देखा यहाँ के लोगों के लिए। तो मंदिर में जाते हुए बोला जाए आगे निकलो आगे निकलो, हम लंगर में आए हुए हैं क्या, मीनारे में आए हुए हैं, खा पे के निकल रहे हैं। क्या ही कर सकते हैं। और बता क्या गंडूपना कर रहे हैं भाई, इधर मत आना, आना तो आना सीधा बेट द्वारिका आना आना है तो। हाँ, वो तो बोल सकते हैं, बेट द्वारका आप घूम सकते हो, बहुत ही मस्त जगह है, यहाँ पे घूमने के लिए काफ़ी अच्छी अच्छी प्लेसेस है। मतलब अगर आप हमसे हमारा फीडबैक लोगे ना, तो मैं आपको यही दूंगा कि आप कहीं और मत जाओ, मतलब बेट द्वारिका जाओ, क्योंकि कहीं और जाओगे तो आपका खर्चा बढ़ेगा। यहाँ पे 120 रुपये में आपका चूना काटा जा रहा है, सीधा सीधा बोला जाए। चलिए गाइस, मिलते हैं बाद में। ओके, अच्छा व्यू है, बहुत ज़्यादा प्यारा भी है लग रहा है। यहाँ पे आपको कुछ दिखाता हूँ, मज़ा आएगा। ओहो सुपरस्टार, क्या लुक आ रही है तेरे को देखिए। अरे ये देखो 80,000 के जूते हाथ में लेके घूम रहा है। मुझसे पूछना तूने ये हाथ में क्यों लेके चल रहा है, मैं बोलूँगा यार। ओहो ब्रदर, जूते क्यों लेके रखा हाथ में? जूते क्या करूँ भाई, पैर गंदे हैं। पैर क्यों गंदे है तेरे, क्यों नहीं मोड़ रहा है? इतना पानी है, देख इतना पानी, देखने के बाद भी तो बोल रहे पानी नहीं है भाई, पीने पानी मिल रहा है। वो तो है, ये तो बात सच है। बोतल दिखा रहा है, बोतल ले घूम रहे पानी पीने आते हैं। वो भी इतना सा बचा है हमारे पास पीने के लिए। ओ देख रहे हो सीन,
जबरदस्त भाई, वहां से शॉट ले, तेरे को बढ़िया शॉट मिलेंगे। ये देखो पानी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हो रहा है यहाँ से। और क्या भाई, स्वाद तो है भाई, मानना पड़ेगा। तो ये तो शराब है यहाँ पे, शराब किस चीज़ का है? शराब पानी का, कुछ कह नहीं सकते। सोशल सिक्योरिटी की है ये। ओपी ओपी बोलते हैं, ओपी मरी। अब ये कौन, ये क्या है यार? अरे नहीं, कैसे देख रहे हैं? बस रहने शिवम, बोलता है एक ही बारी में सारे जानवर खिलाऊंगा। ये भी खा रहे हैं, उधर फेंक दो, खा लेंगे, ये फेंक दो, खा लेंगे वो। खत्म हो गया यार। भगवान का आशीर्वाद है। अरे बस करो यार, इसकी सेल्फी ले लो को। हाँ बताओ कैसा काम? सही है, मैं देख रहे, दिखा मेरे पीछे उन्होंने क्या काम किया, दिखा मेरे पीछे कपड़े भी दिखा सारे। हाँ ओ हाँ, आपको कुछ दिखाता हूँ, बड़ा मजा आए। हाँ उधर का पैंट दिखा, इसकी पैंट देगा, पैंट देख रहे हो? यहाँ पे आओगे वाइट कपड़ा पहन के कभी मत आना, नहीं तो वाइट से कभी येल्लो हो जाए पता नहीं लगेगा। क्या पतली गली है, पतली कमर के बोले हाय हाय। ओ हाय हाय वाले, थोड़ी पतली कमरिया तो दिखा दो। एक लिफ्ट लगा दो यार, चलने में दिक्कत हो रही है यार। वो तो है, क्या कर सकते हैं। क्या कर रही, बड़े बैग यही श्री कृष्ण घर में छोड़ दिए, उन्हें मंदिर के अंदर ले जाना मना है। एक मोबाइल फोन रिव्यू पाँच में से एक ना दो तो रिव्यू की बात करो। खाले बेटा दो तो माइनस पाँच दूंगा, कितने देगा? पाँच में से पाँच दूंगा, फाइव आउट ऑफ टू, नहीं टू आउट ऑफ, नहीं फाइव आउट ऑफ टू। ये मेरी तरफ से तो जीरो बटा सन्नाटा। हाँ थोड़ा बहुत बोल सकते हो यार, मंदिर के अंदर शोक मिला मेरे को, बाहर इतना नहीं मिला। और मंदिर के अंदर भी बिजनेस गिरी चल रही है। वो तो है, 500 तो जल्दी दर्शन। और क्या क्या करूं, फोन ले जाना अलाउड नहीं था तो आपको मंदिर के दर्शन नहीं करवा पाया, दूर से वैसे भी नहीं दिख रहा था इतना, बट थोड़ा सह लेंगे, कोई बात नहीं, थोड़ा सा व्यू इंजॉय करो आप लोग यहाँ का। मामले में तो कुछ कहना ही नहीं।
वो तो है पुलिस वाले भी। अबे सेफ्टी के नाम पे यहाँ पे लाइफ जैकेट कैसे फेंके हुए थे देखा था। अब हम चले नेक्स्ट डेस्टिनी पे। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।